जमीन दिखाई देता, जहां जमीन दिखाई देता वहां तक सवाल है इस बदबू का। तो ये बदबू किसान का जेवर होती है, मेम साहब जेवर होती है, ठकराइन जेवर। ठीक है, नहीं पीतल की जेवर लेके जाओ। हो ठकराइन, ये किसी सड़ा हुआ चूहा का बदबू नहीं है, एक किसान का मेहनत का पसीना का खुशबू है, खुशबू। हमारा महरा रूप कहा हमसे पूछा था कि हम क्या कर रहे हैं। अरे जब किसान दिन भर थक छूर के घर आता है तो उसका महरा रूप से पूछती है कि कैसन बा, गर्म पानी से उसका हाथ धुलाती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है, और उसका बाद सोए से पहले पैर दबाती है, और हमरू महरा ये देखो हमरा महरा रूप हमसे पूछे थे कि हम कहा आए। अरे एक किसान जो थक हार के दिन पर टूट के घर लौट के आता है तो उसका बीवी जो है गर्म पानी से हाथ पांव धुलाती, अपने हाथों से खाना खिलाती और सोए से पहले उसका पैर दबाती, और हमरी महरारू हमसे पूछ रही है कि हम कहा आए। मैं जरूर तुम्हारे हाथ पैर धो देती और हाथ पैर दबा भी देती अगर तुम सच्ची के किसान होते। तुम बिल्कुल फ्रॉड किसान हो। इस बहते पसीने से जो खुशबू उठ रहा है तुम्हें ढोंगी लग रहा है? जो खुशबू मेहनत का खुशबू है तुम्हें ढोंगी लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो एक नंबर के ढोंगी और फ्रॉड हो। ये सब कुछ मेरठ ना जाने के लिए किया जा रहा है। और ठगराई ने क्या बात कर रही हो तुम? हाँ पहले पैर दबाती है और हमरी महारा रू हमसे पूछ रही है कि हम कर...